उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने नगनोली पंचायत में उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण किया और इस इलाके को अनेक सिंचाई व पेयजल योजनाओं की सौगात भी दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का एजेंडा गांव व गरीब की सेवा करना है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। 17 ट्यूबवेल्स का फाउंडेशन स्टोन या उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेनली तो बीत क्षेत्र के लिए 12 ट्यूबवेल सैंक्शन किया, लगभग 12 करोड़ रुपए की विधायक निधि से जो है वह विधायक प्राथमिकता से सैंक्शन की गई है। क्षेत्र सिंचाई योजना 1 बनाई थी जब बाथू से पानी उठा के लाए थे और अब हम बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 पे काम कर रहे हैं। लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से वो दूसरा चरण बनेगा और इन द मीन टाइम हमने विधायक प्राथमिकता से 12 करोड़ रुपया जारी किया है। विपक्षी दल भाजपा द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार को बने मात्र 2 महीने का समय हुआ है और भाजपा बेवजह सरकार का विरोध कर रही है। उन्होंने भाजपा को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी। नहीं देखिए, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी है और वो अपना काम करें, हस्ताक्षर करें, अंगूठे लगाएं। हमें अपना काम करना, हमारा एजेंडा विकास है, हमारा एजेंडा कल्याण है, हमारा एजेंडा गरीब की सेवा है। हम अपने एजेंडे पे चलेंगे और उनको अपना काम करना है।